शरारती आंखों से बच के कहीं जा नहीं सकते। सीरियल में इनको देखते ही हर लड़की कहती है ये मेरे कुछ तो है लगते। ये है आशिकी हो या कयामत की रात, हमें तो ये बस नजर आते हैं कन्हैया। हाय कोई संभालो मुझे, मेरे साथ है विवेक दहिया। वाओ वाओ परफेक्ट ड्राइविंग यार। सो आई हैव वेरी नाइस और मुझे विद माय सरनेम नो आई हैव ऑलवेज नोन कि मेरा थोड़ा सा मैं अपसेट हो जाता था कि मेरा सरनेम भैया से ही राइम करता है, भैया दहिया यू नो, बट कन्हैया इज अ न्यू वन। वेरी नाइस, आई लाइक दिस एंड आई एम गोना रिटेन दिस आल्सो, आई एम गोना स्टील इट फ्रॉम यू एंड आई विल यूज इट ऑल द टाइम। व्हेन वी वर इन स्कूल तब लगा था कभी यू नो इस चकाचांद की दुनिया में एंट्री होगी? नॉट एट ऑल। मतलब ऐसा होता है कि हर माँ को अपने बच्चे में हीरो नजर आता है, तो मेरी माँ भी कभी कभी माँ I'm doing this show ना, तो मैं इतना ज़्यादा अंदर कैरेक्टर के अंदर से मुझे कभी कभी बाहर निकलना पड़ता है। तो मम्मी को लगता था कि हाँ ठीक है अच्छा लगता है और फिर आस पड़ोस वाले भी चढ़ा देते हैं, अरे इसे तो हीरो बनाओ। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे शुरू से, मिल रहे या 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 बचपन से मतलब वो ऐसा थोड़ा सा गुड लुकिंग सा बच्चा होता है ना जिसको अंकल आंटी आके बोलते हैं अरे इसको सेरेलेक की एड में दे दो कितना क्यूट है ये। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे होश संभाला, माय फादर इज अ लॉयर, ओके, तो एंड वी हैड जीरो एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री, हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। तो सोचे भी तो सोचे कैसे, यू नो, आप एक छोटे शहर से जब बिलोंग करते हो तो आपके जो सपने होते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं बिकॉज यू हैव नॉट सीन बियॉन्ड। सो हम लोग भी ऐसे थे कि माय फादर ऑल ही न्यू वाज दैट ही वांटेड मी टू बी अ बैरिस्टर। तो उन्होंने कहा कि तू जा और यूके से पढ़ाई करके आ और मुझे लॉ करने के लिए भेज दिया। तो भेजा तो वहां पे एक साल के अंदर अंदर मेरी बत्ती गुल, मुझे समझ आ गया कि मैं लॉ इज नॉट मेंट फॉर मी। आई वेरी लाइक अ ओबीडियंट सन आई वेंट एंड देन थ्री मंथ्स लेटर नो सिक्स मंथ्स लेटर आई फेल्ड आउट ऑफ द सिक्स एग्जाम्स दैट आई टुक आई फेल्ड इन थ्री। ओके, 50% ऑफ एंड इवन दोस थ्री ओनली आई नो हाउ आई पास्ड। It was hell. Those times when I think of it, you know, it gives me goosebumps. I used to study for 14 hours a day. Oh God. Yeah, library. That's inhuman. It was. I don't know. Matlab. So anyway, let's not talk about that. Okay. Yeah. So UK happened. Yeah, so UK happened. And then at the same time, I used to see all these other kids who were business padhai kar rahe the. So I said, ye to bahut cool hai, ye to chill maar rahe hote hain. So I पापा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो तू लॉ नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो मेरा सामने से दोस्त ऐसे वेव करता हुआ जा रहा था और हेलो बोल के और वो निकल के जा रहा था, मैं रोड पे खड़ा था। कहते बोल, प्लान बी क्या है? बिजनेस। कहते हाँ, क्योंकि मुझे वो अभी बोल दिया, आई डिडंट नो। तो अब डेंटिस्ट्री तो मैं कर नहीं सकता हूँ, आईटी तो बतीगुल वैसी। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा? तो वो दिखा बिजनेस वाला, तो मैंने कहा हाँ बिजनेस। तो कहते बिजनेस, तूने कभी आज तक बात ही नहीं की बिजनेस के बारे में? मैं कहा नहीं नहीं पापा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट, आई कैन डू। मेरे हमेशा से, देन आई हैड टू कन्विंस के मेरे हमेशा से, आपको याद है आई गेव सम स्टूपिड एग्जांपल्स, आपको याद है तब मेरा बिजनेस माइंड था, तब मेरा बिजनेस माइंड था। तो कहते अच्छा, ओ ठीक है भाई, अगर तूने सोच लिया तो हाँ, तू अगर पैशनेट है बिजनेस में। मैं कहा हाँ पैशनेट तो मैं बहुत हूँ। सो आई पुट द फोन डाउन, आई सेड यो लॉ इज आउट एंड द बिजनेस एंड बिजनेस इन, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ मुझे नहीं पता, मतलब पढ़ाई बिजनेस की करके मैं आगे क्या करने वाला हूँ या बिजनेस की पढ़ाई कैसे होने वाली, मुझे कुछ नहीं पता। बट एक्साइटमेंट ये थी कि लॉ नहीं है, इससे तो पीछा छूट, इससे पीछा छूट गया। So then we partied that night. Whoa. Yeah. मतलब कि चलो ये नहीं, अब कुछ और सही। So that was end of chapter one. Okay. And then chapter two began. And that wasn't easy either. Oh God. So did you manage to finish the business? I finished. Yeah. By the first year was very very tough because I had zero knowledge on business studies. लेकिन फिर by the end of it, by second year, third year तक तो yeah. And this was in your. This was 2004-05. Yeah. And after that, straight to Mumbai? No. Then I did my post-grad.
अगेन इन बिजनेस. हाँ तो फिर उसके बाद मैंने दो साल का गैप लिया. आई वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट ओनली. हाँ कॉर्पोरेट हैपेंड मच लेटर. उससे पहले तो ऑड जॉब्स करते थे हम इन अ कॉल सेंटर. नो बिफोर कॉल सेंटर अ लॉट ऑफ दीज ऑड जॉब्स टिश्यू पेपर फैक्ट्री में काम करना, डोमिनोज का डिलीवरी बॉय. That's an interesting info. My first job was very exciting actually. It was in a bar. So I was hired to be a bartender. But I got to know on the first day कि मुझे bartender के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अभी फिलहाल दो हफ्ते के लिए आई एम ऑन प्रोबेशन और जिसपे मुझे ब्रोकन बॉटल्स उठानी है. सो पूरे रात जब सब लोग पार्टी कर रहे होते थे मेरा ध्यान होता था कि कौन सा ग्लास कहाँ पे गिरा है, कौन सी बॉटल कहाँ गिरी है, वो जाके उसको वाइप करना है, हटाना है. तो और सबकी टेबल्स आई हैड टू इंश्योर, सो आई यूज टू वाइप द टेबल्स ऑल्सो. सो या दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब. एंड देन 2 weeks लेटर आई इवेंचुअली बिकेम अ बार्टेंडर, बट आई कुडंट स्टे इन फॉर दैट लॉन्ग बिकॉज then I got a job in Pizza Hut for some time, which was a better pay. Okay. So, and plus I used to get free pizzas Whoa. By the end of the night. So, it was good. सबसे पहले विवेक, who was that person who told you कि विवेक सुना दे को तो audition देना चाहिए? It's high time, you know, you start audition. So, हुआ ये कि मैं चंडीगढ़ वापस आ गया था और मैं वहाँ पर job कर रहा था. I was not happy. Whether it was the profile, whether it was the pay, everything. So I was majorly screwed up in my head कि मुझे नहीं पता मेरा directionless भी. Again मेरी life में जो कुछ हुआ है planning के साथ नहीं हुआ है. It's always been very spontaneous, very accidental. So it मेरा destiny has really carved a way for me, a path for me. So मैंने modeling छोटी मोटी modeling शुरू कर दी चंडीगढ़ में. So वहाँ से फिर मैं एक shoot के लिए Kerala आया. और केरला में जो स्टाइलिस्ट थी हेजल, वो उनको पता नहीं क्या मुझ में दिखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारा बहुत कमर्शियल फेज है, तुम्हें आना चाहिए और एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए. तो मैंने कहा मतलब बहुत सारे ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं, बदलाव आ चुके हैं, यू नो आई डोंट वांट टू टेक नाउ, आई वांट टू गेट सेटल्ड इन माय लाइफ. आई एम नियरिंग 30 नाउ, 29 I think I was that time, and I don't want to play with my life. साल दो साल में यार शादी भी करनी है तो कर लेते हैं ना, अभी जो चल रहा है चलने दो. So she kept nagging and she became a very good friend of mine and we used to stay in touch also. मैं जब चंडीगढ़ वापस गया तो she kept telling me that you should definitely come and try. So then eventually I gathered myself, brought some courage. And 7-8 months ke baad finally I came to Bombay with 50,000 rupees in my bank account and I said ke ye, this is it. The moment this money gets exhausted I am going to pack my bag and go back. Okay, did you speak to papa before coming? Like did you tell him? Of course. Acha he knew. What was his reaction this time? Bilkul bhi nahi. Bilkul nahi. Kya bola? Like unhone nahi, he was not having it. Kyun? Although unko thoda ये क्योंकि मॉडलिंग शॉडलिंग हो रही थी तो मॉडलिंग से उनको ये होता था कि क्यों मतलब क्या है मॉडलिंग, क्यों करना है ये सब, अच्छा खासा क्वालिफाइड वहां से पढ़ा के इधर लेके आए हैं, अब तुम मॉडलिंग कर रहे हो, रैम शोज कर रहे हो, क्या करें, इसमें क्या स्किल चाहिए होता है. सो वैसा यू नो ही इज थिंकिंग फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव एब्सोल्युटली एंड यू कांट क्वेश्चन कि आपका पर्सपेक्टिव ऐसा क्यों है, वो है तो है बस. सो So that was it and he said no, I don't think you should go to Bombay already, you know, you should think of your life, you're 29 now. So then I had to slowly work on him, dheere karke ke unki fulane ki story batani, uski story batani ki wo successful hua. So then he always had a reservation कि तू मुझे खाली उन लोगों की बता रहा है जो सफल है उनके क्या, वो ये तो 1% है ना, 99% का तो कुछ नहीं बनता. फिर तू मुंह लटका के वापस आ जाएगा चंडीगढ़ और बोलेगा कि अभी मैं 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे. सो आई सेड नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए लाइफ में. 90.5 रेड एफएम बजाते रहो.